वेल नमस्कार, मुझे देखने वाले सारे भाइयों और सारी बहनों को नमस्कार। वेल आज यहाँ पर मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए, मुख्य रूप से भाषा में दो दिक्कतें होती हैं। कुछ कहते हैं कि हमें नाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट लैंग्वेज। ये बात याद रखिएगा, ये भाषा का एक हिस्सा है, ये भाषा नहीं है। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि रूल्स आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स लैंग्वेज, रूल्स आर नॉट लैंग्वेज। जो भाषा है बेटा, वो भाषा में जो नियम है वो भाषा की ओर इशारा करते हैं, वो भाषा नहीं है। जैसे H2O इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स वाटर, H2O इज नॉट वाटर। H2O कहने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी, राइट? प्रैक्टिकली पानी पीना और H2O चिल्लाना दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नियम है, रूल है, कंसेप्ट है, कंटेक्स्ट है, ये सरासर गलत है। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा हमारे यहाँ स्कूल जाने से पहले हिंदी बोलना सीख जाता है, ना उसे रूल पता है, ना उसे कंटेक्स्ट पता है, ना उसे कंसेप्ट पता है क्या होते हैं, पर वो भाषा सीख जाता है। मुख्य रूप से अगर भाषा, चाहे कोई भी लेवल आपका हो, चाहे SSC हो, CDS हो, CAPF हो, चाहे UPSC हो, चाहे आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, या XYZ किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इवन आप IELTS और TOEFL की भी तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, तो वहाँ पर भी बेटा हकीकत में जो भाषा है वो भाषा की भाषागत अप्रोच होती है। और भाषा का मतलब है कि किसी भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भाषा को, मैंने कहा, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में और लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भाषा को सुनने में, बोलने में और पढ़ने में, लिखने में दिक्कत आती है, तो दिक्कत दो ही होती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि एक तो दिक्कत हो सकती है वकैब की, यानी कि आपकी वकैब वीक है, या फिर सेंटेंस मेकिंग की। शाबाश बोलेंगे, एक तो वकैब, शाबाश, वकैब और सेंटेंस मेकिंग। क्योंकि कोशिश करें कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, दो चीज़ें, एक तो शाबाश बोलेंगे वकैब और एक सेंटेंस मेकिंग, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती। दो ही दिक्कतें होती हैं। कुछ लोग ग्रामर रट लेते हैं पूरी, भाई प्रोनाउन ये, नाउन ये, एडजेक्टिव ये। बड़ी अच्छी बात है कि आपने ग्रामर को पूरा घोटा लगा लिया, कि नाउन के रूल नंबर ये। पर एक बात बताएं, क्या वाकई में भाषागत तरीके से अगर आपने सब कुछ, सारे नियम आपने याद कर लिए हैं भाषा के, सारी चीज़ें नियम याद हो गई हैं, तो आपको जब इंटरव्यू में, ग्रुप डिस्कशन में बोला जाता है कि जरा एक टेररिज्म के टॉपिक पर 5 मिनट बोल के दिखाओ, क्या आप यही बोलोगे कि नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग? क्या ये बोलोगे कि प्रोनाउन विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन? क्या बोलोगे एडजेक्टिव विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए नाउन? अगर भाषा हमने सीख ली थी, अगर हमने इंग्लिश का कोर्स किया था, तो हमें उस टॉपिक पर बड़ा फ्लो के साथ हमें बोलना आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मूलभूत दिक्कत हमारे साथ हुई है, राइट? यानी कि किसी ने भाषा कहकर हमें सब्जेक्ट रटवा दिया, जबकि हमें सीखनी थी क्या? भाषा। और भाषा में दिक्कत क्या है? या तो वर्ड अटक रहा है, या फिर शाबाश बोलना बेटा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ग्रामर का मतलब और कुछ नहीं होता। ग्रामर का मतलब होता है किसी भाषा को सही तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामर का नियम रट लो, भाषा आ जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बेटा। मैंने कहा कि हमारे अनपढ़ को एक भी भाषा का नियम नहीं आता, पर उसे भाषा आती है, राइट? हिंदी भाषा वो बोल लेता है, हिंदी भाषा और उसकी समझ उसको है। याद रखिएगा बेटा, भाषा परिस्थिति परक है। फिर बोल लें, भाषा परिस्थिति परक है बेटा। समझ लें इस बात को कि भाषा सिचुएशनल है। अब अगर देखें आज की हालत हमारे देश की क्या है, अगर आज के देश की हालत हम देखें बेटा, तो एक छोटी सी बात देखें दिमाग में लगाकर कि पुलवामा पर अभी अभी फ्रेश अटैक हुआ है। पुलवामा में हमारे भाई शहीद हुए हैं, हमारे भाई शहीद हुए हैं। क्या किसी के भी दिल से या आपके दिमाग के विचारों को चेक करके देखें कि आपकी जो भाव के हिसाब से आपके अंदर की भाषा बदल गई है, आपके अंदर के विचार बदल गए हैं, राइट? तो भाषा परिस्थिति परख है। अगर किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ कोई नियम नहीं चलेगा, वहाँ परिस्थिति चलेगी। अगर कोई एक्सपायर हुआ है, तो जाकर ये नहीं कहेंगे कि बधाई हो। भाषा परिस्थिति परक है। हमें उन सिचुएशंस को समझना होगा कि किस सिचुएशन विशेष में इस वकैब का इस्तेमाल करते हैं, और किस सिचुएशन विशेष में कैसे वाक्य होते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं। एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे में वकैब और सेंटेंस का ही अंतर है बेटा। एक पढ़े लिखे के शब्द मुंह से निकलने वाले बड़े अच्छे होते हैं, और एक अनपढ़ के शब्द अच्छे नहीं होते, राइट? और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले जो वाक्य हैं, जैसे हरिवंश राय बच्चन की भाषा, और अगर मेरे गाँव के एक इज्जतदार ताऊ की मैं बात करूं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की बात करूं, तो उनकी भाषा में क्या अंतर है? मुंह से निकलने वाले शब्द और वाक्य ही अंतर हैं। तो यही दो वाक्य, राइट, यही दो चीज़ें, एक तो वकैब और एक सेंटेंस मेकिंग हैं, जो कभी भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है, नहीं तो कोई और दिक्कत नहीं होती। इसमें से आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ एक वकैब का सेशन, जो कि लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक कि द हिंदू न्यूज़पेपर में या किसी और न्यूज़पेपर में आने वाले हर वर्ड को मैं आपके लिए सॉल्व ना कर दूँ। अगर ये सेशंस आप अच्छे से ले जाते हैं, तो इन सेशंस में आपको मैं गारंटी करता हूं इस बात की कि डेफिनेटली आपको जो भी वर्ड दिखेगा न्यूज़पेपर में, वो आपको आता होगा, बशर्ते
आप बड़े ध्यान से इन क्लासेस को अटेंड करते रहें और बहुत अच्छे से इनको व्यू करते रहें, बार 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 व्यू करते रहें। हाँ, जो शब्द होंगे, मैं पहले बता दूं कि मैं आना कम जाना को बैठना सीट वगैरह सब नहीं कराने वाला, राइट, क्योंकि ये कोई पांचवी छठी क्लास की क्लास नहीं है बेटा, इट इज़ कंपटीशन लेवल क्लास। और आप प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग यू आर कमिंग, ये तो भूल ही जाएं कि इस तरीके के वर्ड्स होंगे। और अगर मुश्किल वर्ड्स को देख के भागने का मन करता है तो यू आर नॉट अ चैंपियन। जो चैंपियन होता है वो टफ एक्सरसाइजेस को करके खुश होता है, और जो लूजर होता है वो हमेशा अपना जी चुराता है टफ एक्सरसाइज से। जैसे ही टफ वर्ड आए तो दिमाग में ये मत लाना कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। और जुबान देता हूँ, राइट, कि आज की वीडियो देखने के बाद जितने भी वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को अगर एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार रिवाइज करते ही आपके दिमाग में अगर सेट ना हो जाए तो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल। उस बात को बस जिस तरीके से बताया जाए वैसे इंप्लीमेंट करना है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है, चारों ही काम करने हैं। अपनी नोटबुक और पेन को साथ में लेके बैठेंगे, ऐसा ना हो कि आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि महज मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे हैं बेटा, मन को लगा देना है, खपा देना है, फोकस करना है, बहुत अच्छी डिग्री तक कंसंट्रेट करना है। और मैं भी देखता हूं कि वोकैबुलरी आपको कैसे नहीं आती है। मैंने कहा कि इस सेशन को करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर कोई वर्ड नहीं अटकेगा बेटा, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी आर्टिकल में, किसी स्टोरी में, कोई वोकैबुलरी, कोई सिनोनिम, कोई एंटोनिम, कोई वन वर्ड कुछ भी है वो नहीं अटकेगा। यू विल ईजिली अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, उन सारी चीजों को आप आसानी से कर पाओगे। मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप अपनी अच्छाई को, जो अच्छाई आपको इस वीडियो में मिले, ज्यादा से ज्यादा आप उसको व्यू करें, देखें बार बार, और अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो इस अच्छाई को समाज में आप फैलाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं रखता हूं, राइट, क्योंकि बुराई को फैलाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, पर अच्छाई को फैलाने के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा, राइट, आप इसको महसूस करें कि क्या क्वालिटी है और उस क्वालिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, लेट्स स्टार्ट वोकैबुलरी सेशन। हमारा क्या होगा मैं बताता हूं, जैसे मैं डे वन को स्टार्ट करूंगा तो आज हमारा जो डे होगा वो 1.1 होगा, फिर अगली वीडियो में मैं आपको 1.2 दूंगा, फिर उससे अगली वीडियो में 1.3, फिर अगली वीडियो में 1.4, फिर अगली वीडियो में 1.5, यहां पर हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं 2.1 दूंगा, फिर 2.2 दूंगा, फिर 2.3 दूंगा, फिर 2.4 दूंगा, फिर 2.5 दूंगा, और यहां पर हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हर एक्सरसाइज की मैं 5 वीडियोस आपको बना के दूंगा, आपको सिर्फ इतना करना है, बड़े ध्यान से सुनना है। आज हम स्लो एंड स्टडी चीजों को पढ़ेंगे और फिर चीजों में अपने आप से पेस आ जाएगी, चीजों में अपने आप से ताकत आ जाएगी, अपने आप से एक फ्लो आ जाएगा, आपका जुड़ जाएगा वो फ्लो। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं डाउट्स के साथ कि पता नहीं करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, हो पाएगा नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, डाउट्स रखो बेटा, पर मेहनत से, ईमानदारी से, जैसे बताऊं वैसे एक्सरसाइज करते रहना। ऐसा हो नहीं सकता कि सारे शब्द आपके दिमाग में ना चिपक जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज हमारा जो डे है वो 1.1 है, मैं ऊपर ही लिख देता हूं हमारा वकैब का जो कौन सा डे है, हम किस दिन को स्टार्ट कर रहे हैं या कौन सी एक्सरसाइज हमारी 1.1, राइट, जो अगली वीडियो बनेगी हमारी वो 1.2 बनेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 1। चलिए वर्ड नंबर 1 लेने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से कॉपरेट करेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम। कोई भी वर्ड बोलता है तो उसे तुरंत बोल देंगे। जैसे मैंने वर्ड बोला, मेरा पहला वर्ड जो आने वाला है बोले अक्यूमन, शाबाश, बोले अक्यूमन। देखिए बोलना बहुत जरूरी। कुछ एक सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं बेटा, बचपन में जब आप आए थे तो मौन के जगत से शोर के जगत में आए, कानों में जो शोर पड़ा वही शोर करने लगे, कानों में माँ पड़ा। अगर भाषा को बोलोगे नहीं तो भाषा का महत्व ही खत्म हो जाता है, क्योंकि भाषा का मतलब ही है साउंड, राइट, इसका भी मतलब शोर है, इसका भी मतलब शोर है। सुनना मतलब शोर को सुन रहे हो, बोलना मतलब शोर को बोल रहे हो, पढ़ना मतलब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भी तो दिमाग में शोर होता है, जैसे आवर प्राइम मिनिस्टर, तो क्या हो रहा है, साउंड हो तो रहा है। एक ही ऐसा लिखना, रिटन एग्जाम की तैयारी तो बेटा इन तीनों से ही होगी। सुनने, बोलने, पढ़ने को जो इग्नोर कर रहा है उसको लिखना कभी आएगा भी नहीं, याद रखिएगा। तो याद रखें, अपने सुनने और बोलने को तैयार रखें और पूरा पार्टिसिपेट करें बेटा। जैसे मैंने वर्ड बोला, बोले अक्यूमन, शाबाश, मैं रुका हूं इसलिए कि आप बोलें बेटा, उसको कानों में पड़े बाहर फेंक दो, बोलो अक्यूमन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, acumen। अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो उसको हिंदी में लिख लो बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं, अक्यूमन। कुछ एक मजाक उड़ाएंगे, सोचेंगे यार कमाल है हिंदी में लिख रहा है अक्यूमन, बेटा मैं अपने लेवल से पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं। अगर किसी वर्ड का उच्चारण ही क्लियर नहीं है तो वर्ड जिंदगी में कभी आपको याद भी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा वर्ड का उच्चारण, कुछ एक सोचेंगे कमाल है हिंदी में लिख रहा है, बेटा मैं फैनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी लिख सकता हूं उसको, बट मुद्दा है कि मैं आपके लेवल से पढ़ा रहा हूं या अपने लेवल से। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें मेरे लेवल पर आना पड़ेगा, बेटा टीचर के लेवल पर स्टूडेंट को नहीं आता, टीचर को स्टूडेंट के लेवल से पढ़ाना चाहिए, वही टीचर है, राइट, इस बात को समझिएगा। तो मैं आपके ही लेवल से पढ़ा रहा हूं। वर्ड आया अक्यूमन, इसका अगर मैं सिर्फ से कॉमन वर्ड लूं तो इसका मतलब निकलता है बेटा, एक वर्ड आता है नॉलेज, शाबाश, बोले KNOWLEDGE,
ये वर्ड किसी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? क्योंकि बच्चा भी जानता है, राइट। इसका मतलब होता है गहरी समझ, डीप इंटेलिजेंस, जैसे नॉलेज है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आप कह सकते हैं, बोले परसेप्शन। शाबाश, देखिए बोलना बहुत जरूरी, पहले बुलवाऊंगा, बोले परसेप्शन। शाबाश, बहुत अच्छे, PERCEPTION, परसेप्शन। ये भी कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं, परसेप्शन। हर एक व्यक्ति की अपनी परसेप्शन, अपना थॉट, अपना नोशन, अपनी इंटेलिजेंस होती है। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है इंटेलिजेंस। पढ़ने का एक तरीका हम सीख लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ें। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, ये भी वर्ड किसी काम का नहीं। क्यों? क्यों काम का नहीं बेटा? क्योंकि छोटा सा बच्चा भी जानता है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। तो कंपटीशन एग्जाम से बाहर हो गया, या ये लेवल वर्ल्ड स्तर का नहीं है, राइट। स्तरीय भाषा में सीखनी होगी, अक्यूमन, राइट। इंटेलिजेंस आया, परसेप्शन आया, जितने भी मोस्ट प्रोबेबली इसके सिनोनिम या एंटोनिम होंगे वो सब करा दिए जाएंगे बेटा। इस बात को समझें, राइट। नॉलेज है, परसेप्शन है, इंटेलिजेंस है, या फिर इसी के लिए आप कह सकते हैं भाई ये कुछ इतने खास वर्ड्स नहीं। अक्यूमन एक खास वर्ड है, परसेप्शन एक खास वर्ड है। इसके लिए और भी वर्ड आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है बेटा, बोलो अक्यूटी। देखो बोलना पड़ेगा बेटा, बोलना बहुत जरूरी है, बोले अक्यूटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, अक्यूटी, ACUITY, बोले अक्यूटी। अगर उच्चारण में दिक्कत हो किसी के भी वर्ड के, अक्यूटी ऐसे, अक्यूटी। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख लो, उच्चारण क्लियर होना चाहिए। अक्यूटी का भी मतलब बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस, बहुत जबरदस्त समझ किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड अक्यूटी। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, मेरे साथ बोलेंगे, बोले परस्पिकासिटी। बोले, शाबाश, बोले परस्पिकासिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, उच्चारण करते रहिएगा, पर्स, PERSPICA, परस्पिकासिटी। शाबाश, अगर उच्चारण में दिक्कत हो तो हिंदी में लिख लो, परस्पिकासिटी। इसका भी मतलब गहरी समझ किसी चीज को लेकर, बहुत गहरी इंटेलिजेंस किसी चीज को लेकर, दैट इज कॉल्ड परस्पिकासिटी। या फिर वर्ड आता है बेटा, बोलो सगेसिटी। शाबाश, पहले बोलना जरूरी, बोले सगेसिटी। सजासिटी भी बोलते हैं, बट उच्चारण सगेसिटी भी है, ब्रिटिश लोग इसको सगेसिटी बोलते हैं, बोले सगेसिटी। शाबाश, बहुत अच्छे, उच्चारण बेटा होना चाहिए सगेसिटी, इट्स वेरी गुड। या फिर एक वर्ड आता है, बोले विट। शाबाश, विट। अब अगर हम लेवल देखें तो हमें कौन से शब्दों को जानना चाहिए? देखिए, अक्यूमन है, अक्यूटी है, परस्पिकासिटी है, सगेसिटी है, विट है, और परसेप्शन है, अच्छे लेवल के शब्दों को। ये मेरे किसी काम का नहीं, ये मेरे किसी काम का नहीं, क्यों मैंने कहा? क्योंकि छोटा सा बच्चा भी जानता है। हमें अच्छे स्तर के शब्दों को जाना होगा, जहां पर हम अटकते हैं। अटकते हैं दो ही चीजों में, या तो वर्ड या सेंटेंस। पूरे न्यूज़पेपर में कभी नहीं अटकता आपका कि नाउन क्लियर नहीं है, प्रोनाउन क्लियर नहीं है, जीरण क्लियर नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता। हिंदी का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, कब अटकता है? संज्ञा सर्वनाम कर्ता कारक भूत कॉलेज का अटकता ही नहीं, आपको शुरू से लेकर आखिर तक हिंदी का पूरा अखबार समझ में आ रहा है, राइट। क्योंकि व्याकरण का मतलब है सही तरीके से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दिक्कत दो ही आ रही है, या तो वर्ड या शाबाश सेंटेंस मेकिंग। तो उन दोनों चीजों को, कुछ लोग कहते हैं मुझसे बस ग्रामर के नियम रट लो, बाकी सब अपने आप से आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा बेटा, जीरो की जीरो रहेगी भाषा, क्योंकि दोनों चीजों का सम्मिश्रण। जब ईंटें ही नहीं होंगी तो घर कहां से खड़ा होगा? बगैर ईंटों के घर हो ही नहीं सकता, राइट। मैंने कहा भाषा की अक्यूमन, भाषा की अक्यूमन पैदा होती है इन दो चीजों से। गहरी समझ अगर पैदा होगी तो वर्ड और सेंटेंस सही होगी। मैंने कहा कि भाषा परिस्थिति पर, चलो एक परिस्थिति भी रख लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि अमित शाह राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के, तो हम कह सकते हैं कि बोलेंगे मेरे साथ, बोले अमित शाह। देखिए बेटा, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, एनर्जी को बर्न करना बहुत जरूरी है। बोले अमित शाह, वेरी गुड, अमित शाह हैज, बहुत अच्छे, बोलना चाहिए, अमित शाह हैज, यहां पे ब्लैंक डाल देंगे, लिखेंगे नहीं वर्ड, हम यहां पे लिखेंगे नहीं, ब्लैंक डाल देंगे, ऑफ पॉलिटिक्स। अमित शाह हैज ब्लैंक ऑफ पॉलिटिक्स, वेरी गुड, अमित शाह हैज ब्लैंक ऑफ पॉलिटिक्स। इस ब्लैंक में ये ब्लैंक भरेंगे नहीं, यहां पे छोड़ देंगे, अपने नोट्स जो बनाएंगे तो उसमें यहां ब्लैंक छोड़ देंगे, राइट, ताकि साथ साथ हमारी फिल इन द ब्लैंक या क्लोजनेस या सेंटेंस को इंप्रूव करने की जो ताकत है वो भी बढ़ती रहे। देखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक, बेटा एक बात बताओ, जब ये पूरा खोपड़ा ही ब्लैंक है, क्या एक ब्लैंक ब्लैंक को भर सकता है? जवाब आएगा ना। ब्लैंक को भरने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक का मतलब, जब दिमाग में ही वर्ड और सेंटेंस नहीं आ रहे तो हाउ कैन यू फिल इन द ब्लैंक। हां, अगर मेरे पास वर्ड तैयार है तो आई कैन फिल, शाबाश, इन द ब्लैंक। आप यहां पर रख दीजिए, इनमें से कोई भी वर्ड रख दो, मीनिंग आ जाएगा, राइट। अमित शाह हैज अक्यूमन, माने गहरी समझ, ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, अक्यूटी ऑफ पॉलिटिक्स, परस्पिकासिटी ऑफ पॉलिटिक्स, सगेसिटी। शाबाश, क्या उच्चारण है? सगेसिटी, राइट, सगेसिटी, राइट, स्टाफ लिख देती है, चलिए सगेसिटी, राइट। या फिर आप विट कह सकते हैं, विट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि बहुत जबरदस्त समझ किसी चीज की। अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो यू विल हैव अक्यूमन ऑफ इंग्लिश, यू विल हैव
acuity, perspicacity, sagacity, wit and perception of English. आपके अंदर समझदारी आ जाएगी. अगर मैं उल्टे वर्ड की बात करूं, जैसे मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? ये तो होगी समझदारी की बात, तो उल्टा क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं फुलिशनेस. बहुत अच्छे, बोलेंगे मेरे साथ, बोले फुलिशनेस. कॉमन वर्ड ही है, कोई बात नहीं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं. या फिर वर्ड आता है बोले इग्नोरेंस. बोलो शाबाश, मैं रुक गया हूं इसलिए क्योंकि वर्ड का उच्चारण जरूरी बेटा. बोले इग्नोरेंस. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. इग्नोरेंस, फुलिशनेस और इग्नोरेंस. और भी वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं. स्टूपिड है, और भी वर्ड्स हैं, राइट? पर हम जितने आज याद रख सकते हैं उतने ही वीडियो में मैं रखूंगा, राइट? लगभग 100 वर्ड्स का मेरा टारगेट है कि हर एक वीडियो में लगभग 100 वर्ड्स मैं आपको पहुंचाऊं. दैट इज माई टारगेट कि आपको मिलने चाहिए, वो बहुत जरूरी है. तो उतने ही वर्ड्स एक ऑप्शन में रखेंगे जितने हम याद रख सकें, राइट? उससे ज्यादा नहीं, राइट? सो हम सारे के सारे वर्ड्स हम देख सकते हैं, हम सेंटेंस बोल सकते हैं. बोलेंगे मेरे साथ फिर से, अमित शाह हैज, बोले शाबाश, बहुत अच्छे. अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स, पूरा बोलेंगे अमित शाह हैज. वेरी गुड, दिमाग खुद से ब्लैंक कर लेगा बेटा, खुद से कहेगा दिमाग आगे कि अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि उनके पास गहरी समझ है. तो अक्यूमन वर्ड हमने देखा, और गहरी समझ पैदा होती है तो बेटा अभ्यास से. डर के भागना नहीं है, अब जागने की बारी है बेटा, राइट? वर्ड्स को देखकर हमें सीखना है, क्योंकि मैंने कहा नॉलेज और इंटेलिजेंस किसी काम का नहीं. अक्यूटी, परस्पिकासिटी, सजासिटी, विट, ये है अक्यूमन. मैं साथ साथ रिवाइज करता रहूंगा जब तक 10 तक जाऊंगा. जब तक 10 वर्ड तक जाऊंगा मैं सारे सारे वर्ड्स को अपने आप रिवाइज करता रहूंगा, ताकि आपकी अक्यूमन डेवलप हो जाए, राइट? हमने अभी एक सिचुएशन ली, और सिचुएशन है बोले अमित शाह हैज. वेरी गुड, अमित शाह हैज ब्लैंक ऑफ पॉलिटिक्स. अब इसमें क्या हो सकता है? हम सजासिटी, सगेसिटी भर सकते हैं. सजासिटी भी वर्ड है, बिल्कुल सही, वही उच्चारण उसी का साउंड है वो भी. परस्पिकासिटी भर सकते हैं, अक्यूमन भर सकते हैं, राइट? हम विट भर सकते हैं, अक्यूटी भर सकते हैं, वो सब भर सकते हैं, राइट? चलिए सेकेंड वर्ड पर आते हैं. आवर सेकेंड वर्ड इज बोले राइट ओटोप्सी. शाबाश, बोले पहला वर्ड था हमारा अक्यूमन, हम दूसरे वर्ड को जो लेने जा रहे हैं वो है. वेरी गुड, बोले अटोप्सी. बोलो बहुत अच्छे, ओटोप्सी, ओटोप्सी, राइट? ओटोप्सी, वेरी गुड. उच्चारण क्लियर होना चाहिए बेटा. अगर उच्चारण क्लियर नहीं है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि भाषा का मतलब साउंड है. अगर कानों में माँ ही नहीं पड़ा होता तो मुंह से कभी माँ बोलता ही नहीं. और आपने स्पेलिंग बाद में सीखी थी, कानों में माँ पड़ा, आपने माँ बोल दिया. स्कूल जाने से पहले ही माँ बोलना गया था, जब आपको पेन पकड़ना नहीं था तब आप माँ बोल रहे थे. इसलिए साउंड का अपना महत्व है, राइट? एक डेड बॉडी के पास क्या नहीं है? साउंड सी तो नहीं है बेटा. और भाषा का मतलब क्या है? शोर. जितना अच्छा शोर करोगे समाज में उतनी पहचान बनेगी बेटा. अगर शोर करना नहीं आता, राइट, तो आपकी पहचान नहीं बनेगी बेटा. तो शोर करना यानी कि ज्यादा से ज्यादा बोलना बहुत जरूरी है. बोले ओटोप्सी. अगर इसके लिए मैं मोस्ट कॉमन वर्ड दूं, जो बिल्कुल कॉमन वर्ड है, तो इसके लिए एक वर्ड आता है बेटा. वैसे हिंदी में आप इसे शव परीक्षा कह सकते हो. तो इसके लिए जो वर्ड आता है वो वर्ड है पोस्टमार्टम. बोलो शाबाश बेटा, देखो बेटा बोलना बहुत जरूरी. बोलो पोस्टमार्टम. वेरी गुड, पोस्ट मोर्टम, MORTEM. ये बात आप जानते हैं, शव परीक्षा, मरने के बाद जो पोस्टमार्टम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोप्सी. वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट? इसके लिए जैसे द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द बॉडी, भाई जांच करके देखते हैं, या इसी के लिए एक वर्ड आता है बोले इनक्वेस्ट. बोलो शाबाश, बोलेंगे इनक्वेस्ट, बहुत अच्छे, यानी कि जांच करना कि मौत हुई तो किस तरीके से हुई, राइट? दैट इज कॉल्ड इनक्वेस्ट, राइट? या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है मेरे साथ, बोलेंगे बोले वीवी सेक्शन. आवाज बिल्कुल सही बेटा, बोलना बहुत जरूरी. बोलो वीवी सेक्शन, बहुत अच्छे, वीवी सेक्शन. अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करके ये देखना कि हाउ द पर्सन डाइड, भाई कैसे, किस तरीके से व्यक्ति की मौत हुई, वीवी सेक्शन. इसी के लिए एक और वर्ड आता है बेटा, बोले नेक्रोप्सी. शाबाश, बोलेंगे नेक्रोप्सी, NECROPSY. नेक्रोप्सी का भी मतलब है शव परीक्षा, यानी कि मरने के बाद व्यक्ति का ये देखना कि भाई कैसे व्यक्ति की डेथ हुई है. हमारे भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक काला धब्बा हमारे ऊपर है, कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, और उनकी डेड बॉडी की रहस्यमय कारणों में मौत हुई, उनकी ऑटोप्सी तक नहीं की जाती, राइट? तो ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षा, राइट? सो द ऑटोप्सी ऑफ द बॉडी ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज नॉट डन, राइट? सो ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब शव परीक्षा. तो हम एक वाक्य ले सकते हैं, और देखो बेटा इसका कोई एंटोनिम नहीं, जरूरी नहीं है कि इस हर एक वर्ड का एक एंटोनिम हो. जैसे मैं कहूंगा कि टेबल, इसका एंटोनिम क्या है, तो क्या कहोगे? चेयर. जरूरी नहीं कि हर वर्ड का एक उल्टा वर्ड हो, राइट? तो इस बात को समझें. तो इसका मतलब क्या है बेटा, किसी चीज का पोस्टमार्टम. हम एक सिचुएशन ले सकते हैं, एक परिस्थिति, एक वाक्य ले सकते हैं. हम स्टेटमेंट लेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, बोले इफ, शाबाश, बोले इफ समबडी
वेरी गुड, बोले इफ समबडी, ऐसे समबडी लिखा जाता है डिक्शनरी में, ऐसे लिखते हैं, बोले इफ समबडी, शाबाश, हैज बीन मर्डर्ड, बहुत अच्छे, बोले इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड, बोलो, बहुत अच्छे, कॉमा, हिज बॉडी, शाबाश, हिज बॉडी हैज टू, शाबाश, हैज टू, बोलना, साथ साथ बोलते रहना बेटा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम करने, हैज टू अंडरगो, हैज टू, और फिर से वही हमारा काम क्या, हैज टू अंडरगो ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम, इंक्वेस्ट, वीवी सेक्शन, नेक्रोप्सी, आप जो भरना चाहे, पर वहां पे लिखना मत बेटा, वहां पे ब्लैंक ही छोड़ना, ताकि जब आप रिवाइज करो तो दिमाग में एक एक्सरसाइज आ सके, राइट, के दिमाग में भरना क्या है, कि इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड हिज बॉडी हैज टू अंडरगो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, हिज बॉडी हैज टू अंडरगो ऑटोप्सी, राइट, अगर किसी का मर्डर हो गया है तो उसकी बॉडी को ऑटोप्सी के थ्रू, वीवी सेक्शन के थ्रू, नेक्रोप्सी के थ्रू, नेक्रो का मतलब डेड होता है और ऑप्सी का मतलब उसकी स्टडी कर लेना कि भाई किस तरीके से उसकी डेथ हुई, दैट इज कॉल्ड नेक्रोप्सी, तो इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड हिज बॉडी हैज टू अंडरगो ऑटोप्सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए अपने थर्ड वर्ड की तरफ, अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको मिले तो उसका हिंदी में उच्चारण लिखने में बेटा दिक्कत मत महसूस कीजिएगा, यह पढ़ा जाएगा क्या, नेक्रोप्सी, अगर आपको दिक्कत हो बगैर शर्माए, नेक्रोप्सी, ऐसे हिंदी में लिख लें, उच्चारण जरूर लिखें बेटा, नहीं तो लिखा होगा कुछ, आप पढ़ोगे कुछ, राइट, नेक्रोप्सी, राइट, कोई भी वर्ड अगर लगे कि नहीं उच्चारण में अगर दिक्कत है तो उसका देखो कि उच्चारण कैसे हुआ, उसी तरीके से उसको नोट कर लो, राइट, सीखने में कोई शर्म नहीं बेटा, नेक्रोप्सी, तो इसी के लिए अगले वर्ड पर हम आ रहे हैं, जो अगला वर्ड है वो बहुत लोकप्रिय वर्ड है, जो आप जानते भी होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है, बोले बेलिकॉस, बोलो, बोलना पड़ेगा बेटा, बोलो बेलिकॉस, वेरी गुड, और बेलिकॉस का मतलब आप सभी जानते ही हैं, उच्चारण में दिक्कत हो तो बेटा लिख लेना बेलिकॉस, बहुत सिंपल सी वर्ड है बेलिकॉस, स और ज दोनों है, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, बेलिकॉस भी कह सकते हैं, बेलिकॉस भी कह सकते हैं, मर्जी आपकी, राइट, ये ब्रिटिश और अमेरिकन के फर्क के कारण अंतर होता है, तो बेलिकॉस का मतलब हो गया झगड़ालू, जो छोटी छोटी बात पर झगड़ा करे, इसके लिए सबसे कॉमन वर्ड जो हमारे किसी काम का नहीं है वो है QUARRELSOME, क्वेरलसम, ये बच्चा भी जानता है, अगर बच्चा भी जानता है तो मेरे किसी काम का नहीं, क्यों, क्योंकि पांचवी छठी क्लास का एग्जाम नहीं बेटा, आप कंपटीशन के एरिना में हो तो अच्छे लेवल के वर्ड्स आएंगे, जैसे इसके लिए आप कह सकते हैं, एक वर्ड आता है बोले बेलिजरेंट, बोलना पड़ेगा पहले, बोले बेलिजरेंट, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बोले बेली GERENT बेटा, बेलिजरेंट, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बोले वॉरलाइक, शाबाश, शाबाश, वॉरलाइक, वॉरलाइक का भी मतलब जो बात बात पे झगड़ा कर बैठे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करे, एक और वर्ड बोलेंगे बोले कॉम्बैटिव, शाबाश, बहुत अच्छे, कुछ एक सोचेंगे बोलने से होगा क्या, बुलवा क्यों रहा है बेटा, जो बुलवा नहीं रहा वो भाषा करा ही नहीं रहा, क्योंकि भाषा का मतलब ही होता है बोलना, अगर आप इंटरव्यू में गए, GD में गए या किसी से बात करें और भाषा बोल ही नहीं पाए तो बेटा इसका मतलब भाषा आपको आती ही नहीं, क्योंकि भाषा का मतलब ही था सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषा वो प्रक्रिया है जो सुनने से लेकर लिखने पर खत्म होती है, आप सीधा खत्म की बात कर रहे हैं कि रिटन एग्जाम की तैयारी चाहिए, अरे मेरे भाई पैदा तो हो जा, मरेगा तो बाद में ही ना, तो सीधा ही मरने की बात क्यों कर रहा है, जो भिड़ते ही लग गया कि ये देखिए रट लीजिए, ये नियम होते हैं, नाउन का रूल नंबर 45, नाउन का रूल नंबर 46, व्हाट द हेल, ये भाषा नहीं है बेटा, मैंने कहा भाषा वो प्रक्रिया है जो पैदा होती है, आपने सुना, पैदा होने होती सुनने से लेकर और लिखने पर खत्म होती है, बीच की प्रक्रिया तो गायब हो जाएगी ना, कि अगर आपने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम एक साथ करने, कॉम्बैटिव का भी मतलब क्या हो गया, झगड़ा लो, बहुत अच्छी बात है कॉम्बैटिव, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा बोलो पग्नाशियस, पहले बेटा मेरे लिए उच्चारण बहुत जरूरी होगा, बोले पग्नाशियस, बहुत अच्छे, PUGNACIOUS, अच्छे वर्ड्स को, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि हाई ये वर्ड्स तो मुझे कभी याद नहीं होंगे बेटा, एक भिखारी और अधिकारी में अंतर क्या है, एक अधिकारी जिनके नीचे आप काम करोगे उनके लिए ये वर्ड्स बड़े कॉमन है, अगर आपको ये भयावह लगते हैं तो बेटा फिर आप अधिकारी कभी बन नहीं सकते, राइट, कॉमन वर्ड्स से कॉमन इंटेलिजेंस पैदा होगी, कॉमन IQ पैदा होगा, राइट, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें तो आपको करनी ही होंगी, राइट, पग्नाशियस का भी मतलब क्या है, छोटी छोटी बात पे जो झगड़ा करे, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा बोलो कैंटेंकरस, शाबाश, आवाज़ आनी चाहिए, बोले कैंटेंकरस, बहुत अच्छे, कैंटेंकरस, REOOUS, कैंटेंकरस का भी मतलब क्या है, कैंटेंकरस माने भी झगड़ा लू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करे, या फिर एक वर्ड आता है मेरे साथ बोलेंगे बोले ऑर्नरी, वेरी गुड, बोलना बहुत जरूरी है, बोले ऑर्नरी, ORNERY, ऑर्नरी का भी मतलब झगड़ा लू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है मेरे साथ बोलेंगे बोले क्रैबी, क्रैब नहीं होता केकड़ा, बिल्कुल केकड़े की तरह कट्टर कट्टर करने वाला, मतलब वही क्रैबी, CRABBY, क्रैबी, क्रैबी का भी मतलब झगड़ा लू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करे, या फिर आप कह सकते हैं बोलेंगे मेरे साथ बोले रक्षस, शाबाश, बोले
रक्षस, वेरी गुड, RUCTIOUS, रक्षस। या फिर इसी के लिए एक वर्ड और आता है बेटा, एक वर्ड आता है, बोले आयरेसिबल, बोलो शाबाश, आयरेसिबल, बड़ा चिड़चिड़ा और झगड़ालू, IRASCIBLE, आयरेसिबल वाले में चिड़चिड़ा और झगड़ालू, जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते, दैट इज कॉल्ड आयरेसिबल। या फिर एक वर्ड आता है, बोले कोलेरिक, शाबाश, बोले कोलेरिक, CHOLERIC, कोलेरिक का भी मतलब क्या है, झगड़ालू, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला, चिक 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 करने वाला, दैट इज कॉल्ड कोलेरिक। तो छोटी छोटी बात पे जो झगड़ा करे, छोटी छोटी बात पे कलेश करे। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोलेंगे मेरे साथ, बोले टेस्टी, शाबाश, टेस्टी नहीं, उच्चारण क्या है, टेस्टी, ये च नहीं है, ये बेटा क है, कोलेरिक पढ़ना, ये आयरेसिबल पढ़ा जाएगा, ये रक्षस, राइट, हर एक वर्ड का उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये पगनाशियस, किसी भी वर्ड के उच्चारण में दिक्कत हो तो हिंदी साथ में अपनी नोटबुक में लिखते चलेंगे, राइट। तो बेलिकोस माने छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला, राइट, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने वाला। जैसे मैं अगर एक सेंटेंस लूँ, बनना निभना गुजर बसर होना होता गेट अलोंग, तो एक सेंटेंस बन गया, बोले आई डू नॉट, शाबाश, बोले आई डू नॉट, वेरी गुड, गेट अलोंग, गेट अलोंग माने होता बनना निभना आपस में, आई डू नॉट गेट अलोंग विद, बहुत अच्छे, बोलना जरूरी, बोले आई डू नॉट गेट अलोंग, शाबाश, आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई ब्लैंक, NEIGHBOUR, आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई ब्लैंक नेबर, इस ब्लैंक में कुछ भी भरो, बेलिजरेंट, क्वेरलसम, वॉरलाइक, जो भी आपको भरना है, यानी कि झगड़ालू, कहते मेरी और मेरे पड़ोसी की, झगड़ालू पड़ोसी की आपस में नहीं बनती, आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई, शाबाश, बेलिकॉस नेबर, आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई बेलिकॉस नेबर। बहुत, देखो बेटा, वकैब को याद करने का कई बार कुछ लोग बहुत मतलब गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं आपको बरगलाने के लिए, वो कहते हैं कि चलो मैं ऐसे याद कराऊंगा, एक्स्ट्रा पेट काट दो, एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, तो एक्स्ट्रा पेट, राइट, ऐसे कितने वर्ड्स हो जाएंगे बेटा, ये अफीम की लत जैसी है, नेहरू प्लेस का सॉफ्टवेयर है 100 रुपए का जो आपको कई हजार में बांटा जा रहा है, राइट, तो उससे कोई फायदा उतना नहीं होना है बेटा, ये बात याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस एंड एक्सीलेंस बेटा, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि काली मिट्टी इज इक्वल टू क्लेमिटी, क्लेमिटी माने बर्बादी, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो बेटा याद रखिएगा, काली मिट्टी नहीं, खराब मिट्टी, वीरान मिट्टी, बहुत बहुत तरीके से बेटा, खराब मिट्टी, वीरान मिट्टी, बहुत तरीके से, मतलब परेशान ही रहोगे बेटा कि ये काली मिट्टी का कौन सा तरीका क्लेमिटी को याद रखने का। स्वामी विवेकानंदा को इतनी मोटी मोटी 9 एनसाइक्लोपीडिया याद थी बेटा, 9 एनसाइक्लोपीडियाज, क्या उन्होंने ऐसे ही याद किया होगा कि मिलना कोनी, मिलैनकोली, मिलैनकोली माने उदास हो गया, राइट, कि कमली कमली, मैं तो कमली हो गई तो कोमली माने ब्यूटीफुल, ये कौन सा तरीका है भैया, राइट, आप चीज़ों को डिफिकल्ट बना रहे हैं। नहीं तो इस वीडियो को एक बार करने के बाद जब दूसरी बार सुनोगे ना बेटा, तो आपके दिमाग में वर्ड पहले ही आ रहे होंगे। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं चेक कराता हूँ, अगर मैं कहता हूँ अमित शाह हैज ब्लैंक ऑफ पॉलिटिक्स, आपका दिमाग खुद से कहेगा बेटा अक्यूमन, खुद से कहेगा परस्पिकासिटी, सगेसिटी, अक्यूटी, विट, परसेप्शन, खुद से दिमाग में आएगा बेटा, राइट, खुद से आएगा, अमित शाह हैज ब्लैंक ऑफ पॉलिटिक्स, देखो आपका माइंड खुद से ब्लैंक करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड, बोलो शाबाश, हिज बॉडी हैज टू अंडरगो वॉट, शाबाश, आपका दिमाग खुद से उसको ब्लैंक करता है। अगर वर्ड एक बार भी आया हो आंखा के, तो बेटा दिमाग में होता है, रिवीजन बार बार उसकी लो, बार बार देखो, और वीडियो बन किस लिए रही है, वो इसलिए बन रही है ताकि चीज़ों को बार बार रिवाइज, एक टाइम आएगा, इससे पहले कि मैं वर्ड लिखूंगा ना वीडियो में, उससे पहले आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर अब ये लिखने वाले हैं, एक समय आएगा। अब ये तो हो गया झगड़ालू, अब इसके उल्टे की अगर हम बात करें, तो बड़ा मिलनसार किस्म का आदमी जो होगा, जो झगड़ालू नहीं होता वो मिलनसार टाइप का आदमी, वो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर सिंपल में लिखना चाहें इसका उल्टा वर्ड, तो बड़ा मिलनसार हम कह सकते हैं, बोले बोले मेरे साथ, बोले एमिएबल, बोलो शाबाश, एमिएबल। या फिर एक वर्ड आता है, बोले एमिकेबल, शाबाश, बोले वेरी गुड, एमिकेबल। या सिंपल वर्ड आता है, बोले फ्रेंडली, शाबाश, फ्रेंडली, बड़ा मिलनसार किस्म का आदमी जो खुश रहता है, राइट। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा, बड़ा मिलनसार और बहुत सोशल और बहुत ग्रेशियस किस्म का जो आदमी है, दैट इज कॉल्ड बहुत ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा पीसफुल भी कह सकते हैं, काम भी हो सकता है, राइट, काम और पीसफुल पर्सन, काम एंड पीसफुल, तो बहुत ज्यादा शांति प्रिय है, बहुत मिलनसार, झगड़ालू ना होकर देखते ही खुश हो जाने वाला व्यक्ति, राइट। तो ये वर्ड्स इसके उल्टे वर्ड्स हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट जो बनी इसकी, एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएंगे, आई डू नॉट, बोले शाबाश, वेरी गुड, आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई, वेरी गुड, कैसा नेबर, बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, और बोलना बहुत जरूरी, क्योंकि भाषा को बोले बिना करना गलत तरीका है बेटा। सो आई डू नॉट गेट अलोंग विद माई बेलिकॉस नेबर। इसके बाद जो चौथा वर्ड हमारे पास आ रहा है, थ्री वर्ड्स वी हैव डन, एक हमने कहा अमित शाह हैज
अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स, क्या आपको इस समय समझ में आया? बहुत अच्छी बात। एक मैंने कहा कि इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड हिज बॉडी हैज टू गो थ्रू ऑटोप्सी या अंडरगो ऑटोप्सी, सड़न समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। आई डू नॉट गेट अलॉन्ग विद माई बेलिकॉस नेबर, क्या सड़न समझ में आया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। राइट, अगला जो वर्ड हमारे पास आने जा रहा है वो वर्ड है बेटा, बोलेंगे मेरे साथ, बोले पहले बोले बोले कैस्टिगेट, बोलो शाबाश, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट। उच्चारण में दिक्कत है तो हिंदी में लिख सकते हैं कैस्टिगेट और कास्टिगेट, दोनों उच्चारण है बेटा, कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब है, सिंपल से सिंपल अगर वर्ड देखूं वो है स्कोल्ड, SCOLD, स्कोल्ड का मतलब है डांट लगाना, किसी पर डांट लगाना। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैस्टिगेट का मतलब किसी पर डांट लगाना। सिंपल अगर वर्ड कहूं तो क्रिटिसाइज आप जानते हैं, किसी को कंडेमन करना, CONDEMN, कंडेमन करना, ये भी आप जानते हैं बेटा। कंडेमन का भी मतलब है किसी की निंदा करना, किसी की बेइज्जती करना। जैसे पाकिस्तान को कंडेमन किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर गिविंग शेल्टर और गिविंग द सिक्योरिटी टू द टेररिस्ट, राइट, सो दैट इज कॉल्ड कंडेमन, यानी कि उसको कैस्टिगेट किया जा रहा है, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती हो रही है, तो इज बींग राइट, दे आर बींग कैस्टिगेटेड, उनको डांट लग रही है, तो कंडेमन करना। या बहुत सिंपल सी बात है, एक वर्ड आता है बोले डिनाउंस, शाबाश बोले डिनाउंस, DENOUNCE, या फिर एक वर्ड आता है बोले स्लैम, शाबाश बोलना पड़ेगा, बोले स्लैम, या फिर एक वर्ड आता है बोले चेस्टन, बोलना बहुत जरूरी बेटा, बोलो चेस्टन, CHASTEN, चेस्टन, बहुत अच्छे। या फिर एक वर्ड आता है बोले चेस्टाइज, उच्चारण बहुत जरूरी बेटा, बोलो चेस्टाइज, CHASTISE, या फिर वर्ड आएगा बेटा बोलो ड्रेस डाउन, शाबाश बोलो ड्रेस डाउन, वेरी गुड, DRESS, ड्रेस, DOWN, ड्रेस डाउन का भी मतलब कपड़े ही उतार दिए, मतलब इंसल्ट कर दी, किसी की बेइज्जती, किसी पर डांट लगा दी। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आएगा बेटा बोलो रिब्यूक, बोले शाबाश, पहले उच्चारण जरूरी है बेटा, बोले रिब्यूक, REBUKE, या फिर एक वर्ड आता है बेटा बोले रिबफ, शाबाश बोले रिबफ, रिब्यूक, रिबफ, या फिर इसी के लिए एक वर्ड और आ सकता है बोले रेप्रीमांड, पहले उच्चारण दो, शाबाश बोले रेप्रीमांड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, RAPRIMAND, रेप्रीमांड का मतलब डांट लगाना, किसी को स्कोल्ड करना, राइट, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा बोलो ब्रोबीट, शाबाश बोले, वेरी गुड, किसी को डांट लगाना, दैट इज कॉल्ड ब्रोबीट, यानी कि नजरें ऐसे करके ऐसे टाइट कर लेना, भौहें तान देना, मतलब डांट लगाना किसी पर, राइट। और इसका अगर मैं उल्टे की बात करूं, उल्टे वर्ड्स की बात करूं, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्रशंसा करना, मतलब वर्ड क्या हो सकता है, प्रेज, बोलो शाबाश, बोलो प्रेज, वेरी गुड, या फिर इसी के लिए वर्ड आ सकता है बोले एक्सटॉल, बोलना बहुत जरूरी बेटा, बोलो एक्सटॉल, बहुत अच्छे। या फिर इसी के लिए वर्ड आता है यूलोजाइज, बोलो शाबाश, EULOGIZE, बोले यूलोजाइज, राइट, या फिर इसी के लिए वर्ड आता है बेटा LAUD, बोले लॉर्ड, शाबाश बहुत अच्छे लॉर्ड। या फिर इसी के लिए एक एक्सप्रेशन और बनता है बोले सिंग, शाबाश बोलो सिंग, एनकोमियम, सिंग एनकोमियम का भी मतलब है बहुत प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड सिंग एनकोमियम, MIUM, सिंग एनकोमियम पढ़ा जाएगा। या फिर एक वर्ड आता है बोले कमेंट, शाबाश बोले कमेंट, या फिर एक एक्सप्रेशन इसके लिए आता है एग्जॉल्ट, बोलो बोलो शाबाश एग्जॉल्ट। और भी अगर आपको कोई वर्ड याद आता हो तो आप उसमें पुट कर सकते हो अपने आप से। इन सब का मतलब क्या है बेटा, प्रशंसा करना, प्रेज करना, डांट ना लगाकर उसकी प्रशंसा कर दी। जैसे आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगा दी, किस चीज़ के लिए, कि पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं भैया, राइट, तो 50 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा और डांट भी लगी, पर उनका बड़ा सम्मान किया, सम्मान किया एक मैगजीन ने, कौन सी मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन, राइट, या एक दो न्यूज़पेपर में, सम न्यूज़पेपर्स ने बड़ी प्रशंसा की, केविन रोड स्कीम बड़ी कामयाब रही, तो सम न्यूज़पेपर्स, राइट, उन्होंने क्या किया, उनको बड़ा प्रशंसा की उनकी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डांट लगा दी, किस चीज़ के लिए, नॉट कंट्रोलिंग फॉर द पोल्यूशन। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं बोले अरविंद केजरीवाल, शाबाश बोलेंगे अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन, शाबाश हैज़ बीन, फिर से वही ब्लैंक, राइट, कैस्टिगेट है, मैं याद रखने के लिए यहाँ पे डी लगा रहा हूँ क्योंकि थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव है, तो अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन कैस्टिगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट अरविंद केजरीवाल हैज़ बीन कैस्टिगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, पर यहाँ पे आप ब्लैंक रखेंगे ताकि दिमाग काम करे, बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट ही हैज़ बीन, बोलना बिल्कुल मन नहीं करेंगे, बोले ही हैज़ बीन क्या, शाबाश
राइट प्रेज्ड या एक्सटॉल्ड, ही हैज बीन एक्सटॉल्ड या प्रेज्ड बाय सम न्यूज़पेपर्स, सम न्यूज़पेपर्स, वेरी गुड, फॉर द इवन ऑड, खुद से समझ लीजिएगा कि ये इवन ऑड है बेटा, इवन ऑड स्कीम, फॉर द इवन ऑड स्कीम. तो हमारे पास एक आइडिया, एक सिचुएशन लेना है कि अरविंद केजरीवाल, बोलेंगे अरविंद केजरीवाल शाबाश, हैज बीन कैस्टिगेटेड, स्कोल्डेड, कंडेम्ड, डिनाउंस्ड, स्लैम्ड, चेस्टन, जो भी वर्ड डालना है वो डाल सकते हैं यहां पर, बट ही हैज बीन एक्सटोल्ड, यूलोजाइज्ड, यस और नो, ही हैज बीन एक्सटोल्ड फॉर द इवन ऑड स्कीम. बिल्कुल सही, कुछ न्यूज पेपर्स के द्वारा उनकी प्रशंसा भी हुई है, राइट. तो अभी तक हमने कितने वर्ड्स किए बेटा, चार वर्ड्स किए, और उसके कुछ मिलते जुलते वर्ड्स और कुछ उल्टे वर्ड्स को भी हमने देखा, राइट. हम अपने पांचवें वर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारा पहला जो वर्ड था वो था अक्यूमन, दूसरा जो वर्ड था वो था ऑटोप्सी, तीसरा वर्ड हमारे पास था बेटा याद करो, वेरी गुड, बेलिकॉज, चौथा वर्ड जो हमने लिया वो क्या था, बहुत अच्छे, कैस्टिगेट, वेरी गुड, बहुत अच्छे. नाउ द फिफ्थ वर्ड वी आर गोइंग टू टेक, पांचवें वर्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और पांचवा जो वर्ड है बड़ा खास वर्ड है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और बहुत बार न्यूज़पेपर में भी होता है, बोले कोग्नोमेन, शाबाश, बोले कोग्नो, सही कर लेते हैं बेटा, कोग्नोमेन, बोले शाबाश, उच्चारण ठीक करेंगे, बोले कोग्नोमेन, बोले शाबाश, कोग्नोमेन. कोग्नोमेन को अगर मैं सिंपल में लिखना चाहूं, अगर बिल्कुल सटीक, अगर एक कॉमन वर्ड देना चाहूं जिसको आप बार बार बोलते हैं, वो वर्ड है बेटा सर नेम, बोलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर नेम, किसी चीज का जो सर नेम है, तो कोग्नोमेन का मतलब सर नेम है बेटा, राइट. किसी बात को लेकर जो, मान लीजिए किसी पीछे, जैसे आप समझें, कई बार कहते हैं भाई दहिया, मल्लिक है, भारद्वाज है, राइट, राणा है, वर्मा है, शर्मा है, राइट. ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये क्या है बेटा, सरनेम. और सरनेम के लिए अच्छा वर्ड क्या है, कोग्नोमेन. उच्चारण में दिक्कत हो तो हिंदी में लिखो कोग्नोमेन, कोग्नोमेन, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा बेटा, ये है सी ओ जी, कोग्नोमेन, राइट. कोग्नोमेन का मतलब सरनेम बेटा, तो कोग्नोमेन पढ़ा जाएगा, उच्चारण हिंदी में भी लिख लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोग्नोमेन, राइट. अपने लेवल से पढ़ो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लेवल से आके पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे लेवल से समझो, मैं आपके लेवल से पढ़ाऊंगा. अगर नई वर्ड पढ़ा जा रहा तो उसकी हिंदी में लिख लो बेटा, कोग्नोमेन का मतलब सरनेम. एक कॉमन वर्ड और क्या हो सकता है इसके लिए, फैमिली नेम, फैमिली नेम, जो फैमिली का नाम आपके साथ चिपक जाता है कि वर्मा फैमिली से, मलिक फैमिली से, दहिया फैमिली से, राइट, या फिर आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, भारद्वाज है, शर्मा है, वर्मा है, दैट इज कॉल्ड कोग्नोमेन, जो सरनेम है, राइट, या जो आपका नाम रखा जाता है पीछे. न्यूज़पेपर में इसी को एपी हैट की तरह भी कहा जाता है, बोले एपी हैट, ये न्यूज़पेपर के इस्तेमाल के लिए है, राइट. एपी हैट का मतलब होता है सूचक, जैसे पीछे मलिक आ गया तो हमें पता लग गया कि भैया ये जाट कैटेगरी से बिलोंग करने वाला मेरा भाई है, राइट. अगर मान लीजिए पीछे कुछ ऐसे सरनेम है जो गुज्जर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ ऐसे जो पंडित कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे तमाम, राइट, उसको हम सूचक मान लेते हैं कि एपी हैट है. एपी हैट का मतलब साइन होता है, सिग्नल होता है, तो सिग्नल पता लग जाता है कि किस कास्ट या किस बिरादरी से बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड एपी हैट, या फिर इसी को टैग या टाइटल भी कहा जा सकता है. टाइटल एक बड़ा कॉमन वर्ड है, लिखने की जरूरत नहीं, तो यू कैन कॉल इट टैग ऑल्सो, राइट, बिल्कुल सही, उसको हम टैग कह सकते हैं, एपी हैट कह सकते हैं, सरनेम. तो बेटा किसी भी रिश्ते से पहले, जब सोचो, अब सिचुएशन लेते हैं, इसका कोई एंटोनिम नहीं है, राइट. अब सोचे, कोई भी रिश्ता अगर पक्का किया जाता है तो पहले क्या मैच किया जाता है, सोचे क्या मैच किया जाता है, बिल्कुल सही आपने सोचा, सरनेम. अगर दहिया दहिया है तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि गोत्र से भाई बहन हो गए, राइट. तो हम कह सकते हैं कि मैरिज से पहले या किसी रिलेशन से पहले, बोले बिफोर द रिलेशन, बोले रिश्ता पक्का होने से पहले, क्योंकि पहले तो रिश्ता पक्का होगा ना, तो हम कहेंगे बिफोर द रिलेशन, बहुत अच्छे, बिफोर द रिलेशन क्या मैच किया जाता है, इज, वेरी गुड, इज मैच्ड. शादी से पहले या फिर किसी रिश्ते के पक्के होने से पहले, इससे पहले कि रिश्ता सोल्मनाइज हो, सोल्मन, एस ओ एल एम ई एन आई जेड ई और एस ई दोनों स्पेलिंग होती है बेटा, सोल्मनाइज का मतलब रिश्ता पक्का हो जाना, कि रिलेशन हैज बीन सोल्मनाइज, यानी कि गठबंधन हो चुका है, रिश्ता हो चुका है, पक्का हो चुका है, तो उसे सोल्मनाइज कहते हैं. बिफोर द रिलेशन, यानी कि इससे पहले कि रिलेशन सोल्मनाइज हो, क्या इज मैच्ड, कोग्नोमेन इज मैच्ड. रिलेशन के गोत्र मिलाए जाते हैं, अगर गोत्र मिल रहे हैं तो रिलेशन कैन नॉट टेक प्लेस, राइट. तो कोग्नोमेन का मतलब क्या हो गया बेटा, सरनेम, वेरी गुड. पांच वर्ड हमने किए बेटा, कोग्नोमेन बिल्कुल सही, हमने एक वर्ड किया अक्यूमन,
गुड, एक वर्ड मैंने हमने किया, शाबाश, बहुत अच्छे, आपके दिमाग में पहले से ही आ रहा है। दूसरा जो वर्ड था वो था ऑटोप्सी, एक वर्ड किया बेलिकॉस, एक चौथा वर्ड था हमारा कैस्टिगेट, पांचवा वर्ड था कोग्नोमेन, नाउ इट कम्स टू द सिक्स्थ वर्ड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सिक्स्थ वर्ड, और जो सिक्स्थ है बेटा वो बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत गजब का वर्ड है, बोलेंगे शाबाश, कोमाटोस, बोलो, बहुत अच्छी, जो सिक्स्थ आ रहा है वो वर्ड है क्या, कोमाटोस, बोले शाबाश, उच्चारण में कोमाटोस, कभी आपने सुना है कोमाटोस का? सिंपल से सिंपल अगर वर्ड दूं तो इसका मतलब होता है इनएक्टिव, कोई चीज जो निष्क्रिय है बेटा, समथिंग विच इज नॉट इन एक्टिव स्टेट, जो निष्क्रिय है उसे कोमाटोस कहते हैं। आपने सुना है कभी डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मरीज है वो कोमा में है, कोमा में होने का मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, राइट? तो कोमा का मतलब नॉट इन एक्टिव स्टेट, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड कोमाटोस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो इसीलिए कहते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं डॉक्टर क्या, कोमा, जबकि इसका पूरा वर्ड क्या है, कोमाटोस, राइट? कोमाटोस के लिए सिंपल से सिंपल अगर मैं वर्ड कहूं तो इसके लिए हम जो वर्ड कह सकते हैं वो वर्ड हो सकता है इनएक्टिव। वेरी गुड, वर्ड आएगा क्या, इनएक्टिव, यानी कि निष्क्रिय स्टेट में, राइट? ये तो कॉमन वर्ड है, बच्चा भी जानता है, सिर्फ याद रखने के लिए हमने देखा, राइट? इसी के लिए हम इसको कह सकते हैं लाइफलेस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, लाइफलेस है, राइट? ये भी आप यहां पे रख सकते हैं, या फिर इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड आता है, बोले कैटालिप्टिक, शाबाश, बोलना पड़ेगा बेटा, कैटालिप्टिक, सी ए टी ए एल ई पी टी आई सी, बोले कैटालिप्टिक, बहुत अच्छे, या फिर एक वर्ड बोलेंगे, बोले डॉर्मेंट, शाबाश, शाबाश, डी ओ आर एम ए एन टी, डॉर्मेंट का भी मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, राइट? समथिंग इन नॉट इन एक्टिव स्टेट, या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो इनर्ट, बोलना पड़ेगा, वेरी गुड, आई एन ई आर टी, इनर्ट, इनर्ट का भी मतलब नॉट इन एक्टिव स्टेट, समथिंग विच इज नॉट एक्टिव, डॉर्मेंट है, इनर्ट है, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा मेरे साथ, बोलेंगे, बोलेंगे शाबाश, एनर्वेटेड, बोलो, एनर्वेटेड, ई एन ई आर वी ए टी ई डी, वेरी गुड, एनर्वेटेड, राइट? एनर्वेटेड का मतलब इनएक्टिव स्टेट में, या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो हैबिट्यूड, बोलो शाबाश, हैबिट्यूड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एच ई बी, बहुत अच्छे, उच्चारण क्लियर रखें बेटा, बोले हैबिट्यूड, एच ए बी ई टी यू डी ई, हैबिट्यूड का मतलब होता है बेटा समथिंग इन एन इनएक्टिव स्टेट, जो बहुत निष्क्रिय है, जो क्रियाहीन है, जिसमें कोई क्रिया नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड हैबिट्यूड। उच्चारण क्या है बेटा, इसका उच्चारण अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, हैब, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा उच्चारण बहुत जरूरी है, अगर वर्ड पढ़ने में नहीं आएगा तो आपको जिंदगी में कभी याद नहीं हो सकता। एनर्वेटेड, हैबिट्यूड, जैसे स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी प्यारी कोटेशन है, क्या, कि इनफाइनाइट एनर्जी, असीमित ऊर्जा इज लाइंग डाउन, कोमाटोस इन यू, इनएक्टिव इन यू, कैटालिप्टिक इन यू, डोरमेंट, व्यायाम करते हो तो वो ऊर्जा जागती है, राइट? व्यायाम मतलब सम्यक, दिमागी व्यायाम भी और शारीरिक व्यायाम भी। तो स्वामी विवेकानंद की कोटेशन लिखेंगे, जरूर लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इनफाइनाइट एनर्जी, बोले शाबाश, बोलना पड़ेगा बेटा, इनफाइनाइट एनर्जी इज, वेरी गुड, इज लाइंग डाउन, बहुत अच्छे, इज लाइंग डाउन इन यू, और आप जानते हैं कि इस ब्लैंक में आप क्या भर सकते हैं, यानी कि निष्क्रिय स्टेट में इनफाइनाइट एनर्जी, अगर आप काम लेते हैं तो वो ऊर्जा जाग उठती है, दैट इज कॉल्ड कोमाटोस। वेरी गुड, सो इनफाइनाइट एनर्जी इज लाइंग डाउन व्हाट इन यू, बहुत अच्छे, कोमाटोस, इनएक्टिव, कैटालिप्टिक, डोरमेंट, इनर्ट, एनवरेटेड और एनर्वेटेड और हैबिट्यूड, इसका मतलब क्या है बेटा, बिल्कुल सही, निष्क्रिय है, राइट? तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप निष्क्रिय के लिए, राइट? और इसका उल्टा क्या हो सकता है, उल्टे वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब सिंपल, एक्टिव, लाइवली, राइट? जिंदा दिल, जो हमेशा लाइवली है, राइट? और एक्टिव है, जो अपने आप में बहुत अवेक है, यू कैन से, या इसी के लिए एक वर्ड एल आई टी एच ई, राइट? कुछ लोग कहते हैं कि मैं उच्चारण कराऊंगा और स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, इससे नहीं होता बेटा, जो आंखों में नहीं आया वर्ड वो लिखा नहीं जाएगा। अगर उच्चारण की बात करें तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, हो सकता है आपके दिमाग में आए लीथ या लीथे या लीथ भी आ जाए, क्या पता, बट इट इज नॉट लीथ लीथे, इट इज लाइथ। उच्चारण क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब होता है एक्टिव, बहुत फुर्तीला, बहुत ताकतवर, निष्क्रिय नहीं, पूरा एक्टिव और पूरा एनर्जेटिक, ई एन ई आर जी, राइट? एनर्जी से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड एनर्जेटिक, तो पूरा ऊर्जा से भरा हुआ एनर्जेटिक, वर्ड को बोलना बहुत जरूरी बेटा, तो हम क्या कह देंगे, एक्टिव है, लाइवली है, अवेक है, लाइट है, एनर्जेटिक है, ऊर्जा से भरा हुआ, राइट? और भी वर्ड्स आते हैं, निम्बल है, राइट, लाइट फुटेड है, स्प्रिटली है, बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, पर हम उतने ही रख रहे हैं जितने हमें याद रह सकें, राइट? तो हमारा वर्ड नंबर सिक्स कंप्लीट हुआ, नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड नंबर सेवन,
शाबाश, अभी तक जो सिचुएशंस, मैं लास्ट तक जाकर एक बार रिवाइज भी करा दूंगा आपको, 10 के 10, राइट, 10 की 10 सिचुएशन आपको रिवाइज कराऊंगा, और आप जब दोबारा से इस वर्ड को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो आपको वो सारी चीजें दिमाग में अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। नाउ वी इट कम्स टू नंबर 7, और नंबर 7 जो वर्ड हमारे पास है बड़ा प्यारा वर्ड है, और वो 7 वर्ड आने जा रहा है बेटा, बोले डेरोगेटरी। बोलो शाबाश, पहले उच्चारण जरूरी है, बोले डेरो, वेरी गुड, बोले डेरोगेटरी, शाबाश, बहुत अच्छे, डेरो जी ए टी ओ आर वाई, बोले डेरोगेटरी, शाबाश, बोले डेरोगेटरी का मतलब बेटा अपमानजनक। सिंपल से सिंपल वर्ड जब मैं लिखूं इसके लिए तो वर्ड आता है इंसल्टिंग, शाबाश, बोले इंसल्टिंग, ये मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि छोटा बच्चा भी जानता है, तो डेरोगेटरी का मतलब क्या हुआ, इंसल्टिंग। इसके लिए एक वर्ड आता है, बोले डिस्पैरेजिंग, शाबाश, बोले डिस्पैरेजिंग, पी ए आर ए जी आई एन जी, बोलो डिस्पैरेजिंग, बोले शाबाश, बहुत अच्छे। या फिर एक वर्ड आता है, बोले बिलिटलिंग, बी ई एल आई डबल टी एल आई एन जी, बिलिटलिंग का भी मतलब शाबाश, इंसल्टिंग। या फिर आप कह सकते हैं, बोले एस्पर्सिंग, बोलो ए एस पी ई आर एस आई एन जी, एस्पर्सिंग का भी मतलब क्या है बेटा, इंसल्टिंग रिमार्क्स, जैसे इंसल्टिंग टिप्पणियां। या फिर एक वर्ड आता है बेटा मेरे साथ बोलेंगे, बोले कैलुमिनस, शाबाश, बोले कैलुमिनस, सी ए एल यू, शाबाश, बोले कैलू, कैलुमिनस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कैलुमिनस, उच्चारण पहले क्लियर होना चाहिए बेटा, बाद में लिखने का फायदा है, बोले कैलू, कैलुमिनस, शाबाश, बहुत अच्छे, इंसल्टिंग। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आएगा बेटा, बोले ओप्रोबरियस, बोलो शाबाश, ओप्रोबरियस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ओ पी पी आर ओ, ओप्रो बी आर आई ओ यू एस, बोले ओप्रोबरियस, शाबाश, बोले ओप्रोबरियस, वेरी गुड, इंसल्टिंग। या फिर एक वर्ड आता है, बोले कॉन्टूमिलियस, बोलो शाबाश, कॉन्टूमिलियस, वेरी गुड, कॉन्टूमिलियस, कॉन्टूमिलियस का भी मतलब इंसल्टिंग, फुल ऑफ इंसल्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्टूमिलियस। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोले डिमीनिंग, शाबाश, डी मीनिंग, इंसल्टिंग, राइट, इंसल्टिंग, इंसल्ट से भरा हुआ, राइट, डिमीनिंग। और इसके लिए उल्टे वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, आपने देखा था प्रशंसा वाले वर्ड्स हमने पिछले जो हमने किया था कैस्टिगेट वाले में, प्रेज है, एक्सटोल है, यूलोजाइज है, सिंग एनकोमियम है, वो सारे के सारे, क्योंकि इंसल्ट का उल्टा प्रशंसा ही होगा। तो एक सेंटेंस ले सकते हैं, एक सिचुएशन ले सकते हैं, क्या के कुछ लीडर्स ने, आप जानते हैं कि आर्मी के खिलाफ, राइट, तो वर्ड आता है, बोले सम लीडर्स, बोलो शाबाश, सम लीडर्स हैव, वेरी गुड, सम लीडर्स हैव यूज्ड, बोलो, बहुत अच्छे, ब्लैंक, एल ए एन जी यू ए जी ई, लैंग्वेज फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए कैसे ये लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, सम लीडर्स हैव यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सारे वर्ड्स हम डाल सकते हैं, इंसल्टिंग लैंग्वेज फॉर द आर्मी, हम आर्मी के इंसल्टिंग लैंग्वेज, राइट, उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो लोग जान दे देते हैं, राइट, लोग कहते हैं कि आर्मी को इतनी स्वतंत्रता या इतनी आज़ादी देना लोकतंत्र को खतरा है। अगर लीडर्स ये कहते हैं कि आर्मी को इज्जत देना लोकतंत्र को खतरा है, तो क्या जो लीडर्स के बड़े बड़े लीडर्स के बेटे जो डिस्कोथेक्स में जाके शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तमाम अय्याशियां करते हैं, क्या ये लोकतंत्र को खतरा नहीं है? दे शुड नॉट यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज फॉर द आर्मी, राइट, उन्होंने सर्वस्व न्योछावर कर दिया है अपना, एंड स्टिल दे यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज विच इज नॉट गुड ऑफ देम। दे शुड नॉट यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज, डिस्पैरेजिंग लैंग्वेज, बिलिटलिंग लैंग्वेज, एस्पर्सिंग लैंग्वेज, कैलुमिनस लैंग्वेज, अप्रोप्रियस लैंग्वेज, कॉन्टूमिलियस लैंग्वेज, डिमीनिंग लैंग्वेज फॉर द, वेरी गुड, आर्मी, दे शुड नॉट यूज इट, दे शुड नॉट डू इट, राइट। 7 वर्ड्स हमने किए, राइट, मैं 10 तक जाते ही एक बार रिवाइज कराऊंगा, इससे पहले कि मैं वीडियो कंप्लीट करूं, सारे के सारे एक बार रिवीजन में आपको दे दूंगा सारे सिचुएशंस को, ताकि वो चीजें पक्की हो। 8वें वर्ड पर हम आने जा रहे हैं, द 8th वर्ड इज, बोलेंगे मेरे साथ, पहले उच्चारण क्लियर करें, बोले इफीट, शाबाश, बोले वेरी गुड, बोले इफीट, उच्चारण चाहे हिंदी में लिख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उच्चारण है इफीट। सिंपल लिखूं अगर इसके बारे में, तो वीक, वीक माने बहुत ज्यादा कमजोर, बहुत कमजोर हालत में, जैसे इंग्लिश बगैर वकैबलरी के क्या रहेगी बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, विदाउट वकैबलरी इंग्लिश इज इफीट, वीक रहेगी। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आप कह सकते हैं, बोले शाबाश, फीबल, फीबल का भी मतलब कमजोर, इनइफेक्टिव रहेगी, इनइफेक्चुअल रहेगी, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रांग। इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले एनेमिक, बोलना पड़ेगा बेटा पहले, बोले एनेमिक, शाबाश, एनेमिक,
वेरी गुड, एनेमिक, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले डिक्रेपिट, शाबाश, डी ई सी आर ई पी आई टी, बोले डिक्रेपिट, डिक्रेपिट का भी मतलब कमजोर, या फिर वर्ड आता है बोले फ्रेजाइल, शाबाश, फ्रेजाइल, मोस्ट कॉमन को रख लो बेटा, कुछ एक सोचेंगे सबके थोड़े थोड़े अलग भी नहीं, बिल्कुल उसमें मत जाएं, राइट, बिल्कुल उसमें मत जाएं, मुझे मिलते जुलते सारे वर्ड्स आंखों के आगे आने चाहिए, और ये सारे वो वर्ड्स हैं, राइट, आप जानते हैं कि द हिंदू में जब एक वर्ड इस्तेमाल होता है तो उसका जो वर्ड है वो वर्ड वहां पे नहीं है, वर्ड प्रिटेक्स से आता है, पर प्रिटेक्स से भी तब आएगा जब उस वर्ड को कभी आंखों में आपने देखा हो, मान लो ये वर्ड कभी जिंदगी में आपके पढ़ाई नहीं और आंखों के आगे आ गया, या फिर ये वर्ड पढ़ाई नहीं तो आप अंदाजा लगा ही नहीं पाओगे, पर अगर हल्का सा भी अंदाजा है कि वीक है तो आप जान लेंगे कि वहां पर कुछ नेगेटिव काम वो कर रहा होगा, उससे उसकी सेंस लगाने में बड़ा बड़ा ही मदद मिलती है उससे बेटा, बहुत बड़ी मदद मिलती है, तो फ्रेजाइल बोलेंगे, शाबाश फ्रेजाइल, या फिर एक वर्ड आता है बेटा बोले हैगार्ड, बोलो शाबाश हैगार्ड, वेरी गुड, या फिर एक वर्ड आता है बोले इंप्यूसिएंट, बोलो पी यू आई एस एस ए एन टी, बोले इंप्यूसिएंट, प्यूसिएंट, प्यूसिएंट का मतलब क्या होता है, ब्रेव, प्यूसिएंट का मतलब ब्रेव होता है, इंप्यूसिएंट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा बोलो फ्लिमजी, शाबाश बोलो फ्लिमजी, वेरी गुड, फ्लिमजी का भी मतलब क्या होता है, कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, या फिर वर्ड आता है बेटा बोलो वाइजेंट, शाबाश बोले वाइजेंट, वेरी गुड, वाइजेंट का भी मतलब बहुत कमजोर, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला, बहुत जिसमें दिक्कत हो, बहुत परेशानी हो, कमजोर हो, या फिर एक वर्ड आता है बोले एशंट, तो ये सब कमजोर के लिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम एंटोनिम की बात करें तो जितने भी स्ट्रांग वर्ड हैं, जैसे सिंपल वर्ड अगर मैं कहूं तो स्ट्रांग सॉलिड, या फिर एक वर्ड आता है बेटा बोलो इनवॉयलेबल, बोलो शाबाश इनवॉयलेबल, या फिर एक वर्ड आता है बोले स्टेंटोरियन, बोलना पड़ेगा बेटा बोले स्टेंटोरियन, शाबाश बहुत अच्छे स्टेंटोरियन, या फिर एक वर्ड आता है बोले स्टॉलवर्ट, राइट, स्टॉलवर्ट का भी मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा पुख्ता, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बी आर ए डब्ल्यू एन, ब्रॉन का मतलब होता है सुअर का मांस, इसमें वाई लगा दोगे तो वर्ड बनेगा क्या, ब्रॉनी, ब्रॉनी का भी मतलब बहुत सॉलिड, बहुत पुख्ता, बड़ा मजबूत, दैट इज कॉल्ड ब्रॉनी, या फिर इसी के लिए एक वर्ड और आता है बेटा, राइट, ब्रॉनी है, स्टॉलवर्ट है, स्टेंटोरियन है, इनवॉयलेबल है, राइट, बहुत सॉलिड, बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत जो होता है, स्टेंटोरियन, स्टॉलवर्ट, ब्रॉनी, सॉलिड आप सिंपल में कह सकते हैं, जो इसका सॉलिड जो वर्ड है, बहुत माचो वर्ड है, मैनली वर्ड है, स्ट्रांग वर्ड है, वी कैन से मैनली, या फिर एम ए सी एच ओ, माचो भी एक वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रांग, पुख्ता, मजबूत, सॉलिड, राइट, जैसे कि इनवॉयलेबल सिक्योरिटी दी गई थी इन सेपरेटिस्ट लीडर्स को, राइट, अभेद्य, कितने ही बेचारे आर्मी मैन जो है, इन जो कश्मीरी नेता है जो कि क्या है, सेपरेटिस्ट हैं, राइट, उनको थोड़ा सा उनकी जो सुरक्षा वगैरह हटाई गई इसलिए कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो बहुत कैसी थी, जेड प्लस सिक्योरिटी, कैसी सिक्योरिटी होती है, स्ट्रांग सिक्योरिटी, राइट, तो संविधान समझता है कि सबको सुरक्षा दी जानी चाहिए, उसी संवैधानिक ढांचे के अनुसार उनके पास सुरक्षा थी, सो इनवॉयलेबल, स्टेंटोरियन, स्टॉलवर्ट, ब्रॉनी, राइट, सो दोज हु आर मेकिंग आवर कंट्री अनसेफ, दे डू नॉट डिजर्व इनवॉयलेबल सिक्योरिटी, यस और नो, यस, दे डू नॉट डिजर्व द इनवॉयलेबल सिक्योरिटी, स्टेंटोरियन सिक्योरिटी, तो इफ इट जैसे कमजोर है तो हम क्या कह सकते हैं, जो पेट्रोल और डीजल है, मेरे साथ बोलेंगे सेंटेंस, बोले पेट्रोल, शाबाश, मैंने कहा वकैब और सेंटेंस, हम वर्ड ले रहे हैं और साथ साथ सेंटेंस भी बना रहे हैं, वो सारी चीजें, पेट्रोल एंड डीजल, बोलो शाबाश, पेट्रोल एंड डीजल आर, वेरी गुड, मेकिंग, वेरी गुड, आवर, बहुत अच्छे, साथ साथ बोलते रहेंगे, इकोनॉमी, और फिर से वही, पेट्रोल एंड डीजल हमारी इकोनॉमी को क्या बना रहे हैं, डेफिनेटली फिट बना रहे हैं बेटा, पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी, वेरी गुड, इफिट, वो कमजोर बना रहे हैं, राइट, क्योंकि सारा बाहर से आता है, राइट, और उसमें बहुत सारा हमारा जो पैसा है वो निकल जाता है, पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी, वेरी गुड, जबकि एग्रीकल्चर इज मेकिंग आवर इकोनॉमी, राइट, सॉलिड, स्ट्रांग, एग्रीकल्चर जो किसान और जवान है वो हमारी सिक्योरिटी को कैसा करते हैं, बिल्कुल सही, राइट, वो हमारे व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को कैसा करते हैं, डेफिनेटली, जो किसान है वो अर्थव्यवस्था को, और जो जवान है वो हमारे बॉर्डर को कैसी सिक्योरिटी देते हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा, इनवॉयलेबल, स्टेंटोरियन, राइट, सो पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी या आवर कंट्री इफिट, 1.1, अगली वीडियो हमारी 1.2 होगी, राइट, और हर वीडियो में मैं 10 वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वर्ड्स को मजबूत करना, सेंटेंस को मजबूत करना बहुत जरूरी है, वेरी गुड, राइट, अब हम आए अपने 9वें नंबर वर्ड पर, 9th वर्ड पर, डे 9, राइट, डे 1 और वर्ड नंबर 9 पर हम हैं, राइट, और जो अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है ग्रेचुटी, जी आर ए, बिल्कुल सही, पहले उच्चारण क्लियर करें, बोले ग्रेचुटी, शाबाश बोले ग्रेचुटी, वेरी गुड, टी यू आई टी वाई,
शाबाश, बोले ग्रेजुएटी, बहुत अच्छे। इसके लिए सिंपल वर्ड अगर हम कहें तो वेतन से अलग जो लाभ दिए जाते हैं, राइट, वेतन के अलावा, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है, राइट, कंपनी के फेवर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या करता है कंपनी, क्या करती है बेटा कंपनी, उसको एक्स्ट्रा पे देती है कि भाई आप देश के, आप हमारे देश के विकास में समर्पण दे रहे हैं, हमारी कंपनी के विकास में समर्पण दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसको ही इज गिवन द एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दैट, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी, राइट। सिंपल वर्ड अगर आप कह सकते हैं, टिप कह सकते हैं, द कंपनसेशन फॉर द वर्क कह सकते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी, या फिर आप सिंपल हेल्प कह सकते हैं, मनी, एक्स्ट्रा मनी उसको देना। इसके लिए और भी अच्छे वर्ड्स आते हैं, जैसे एक वर्ड आता है परक्विजिट, बोलो शाबाश, बोलना पड़ेगा बेटा, बोले परक्विजिट, वेरी गुड, पर क्यू यू आई एस आई टी ई, बोले परक्विजिट यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट, या फिर इसी के लिए कई बार न्यूज़पेपर में वर्ड मिलेगा, बोले पर्क्स, जो पर्क होती है, कहते हैं ना सैलरी प्लस पर्क, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड परक्विजिट, पर्क, या फिर इसी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए और भी वर्ड, बड़े अच्छे वर्ड्स आते हैं बेटा, बोनस है, बेनिफिट है, फाइनेंशियल एडवांटेज है, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बड़ा प्यारा, अखबार में अक्सर मिलेगा, बोले फ्रिंज बेनिफिट, शाबाश, बोलो फ्रिंज बेनिफिट का भी मतलब है, टी है बेटा ये, इट्स फ्रिंज बेनिफिट का भी मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट, या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो गोल्डन पैराशूट, बोलो बोलो शाबाश, गोल्डन पैराशूट, इसका भी मतलब है बेटा कोई चीज बहुत अलग बेनिफिट, जैसे कहते हैं सोने पर सुहागा मिल गया, सोना तो मिला मिला, सोने पर सुहागा, तो एक एक्सप्रेशन आता है, बोले आइसिंग ऑन द केक, बोलो शाबाश, आइसिंग ऑन केक, जैसे आपको अलग से कोई बेनिफिट मिलता है, दैट कैन बी कॉल्ड इट्स आइसिंग ऑन केक, जैसे आप डिनर के लिए गए और आपको वहां पर फ्री में ड्रिंक्स मिल गए, तो ये क्या है, आइसिंग ऑन द केक, किसी कूपन के आधार पर आपको डिनर फ्री मिल गया, इट्स आइसिंग ऑन द, वेरी गुड। या फिर एक वर्ड आता है बेटा, बोलो ग्रेवी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये स्पेलिंग वही है जो किसी डिश में आप ग्रेवी बनाते हैं कि भाई सब्जी तो है ही साथ में ग्रेवी, ग्रेवी माने एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो ग्रेचुटी, राइट, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसका उल्टा क्या हो सकता है, पनिशमेंट है, फाइन है, राइट, किसी को पनिशमेंट दे देना या फाइन दे देना, राइट, ना कि एक्स्ट्रा पेमेंट देना, बोलो बात समझ में आई, दैट इज कॉल्ड ग्रेचुटी। तो हम एक सेंटेंस ले सकते हैं, इफ समबडी, बोलना पड़ेगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिक्शनरी में समबडी ऐसे लिखते हैं, समबडी है बेटा, इफ समबडी, बोलेंगे शाबाश, वर्क्स वेरी गुड वेल कॉमा ही इज गिवन, बहुत अच्छे, ही इज ब्लैंक बाय द कंपनी और द गवर्नमेंट, जो भी आप लिखना चाहें, राइट, इफ समबडी वर्क्स वेल, ही इज गिवन ग्रेचुटी, परक्विजिट, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, गोल्डन पैराशूट, आइसिंग ऑन द केक और ग्रेवी, यू कैन से द एक्स्ट्रा बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड अमाउंट, व्हाट्स एवर इज गिवन इज कॉल्ड ग्रेचुटी, वेरी गुड। सो इसके बाद नाउ इट कम्स द लास्ट वर्ड ऑफ टूडेज वीडियो, आज की वीडियो को का आखिरी शब्द हम लेने जा रहे हैं, दसवां, और क्या वर्ड है, वाह, बहुत जबरदस्त वर्ड पर हमारी वीडियो खत्म हो रही है, और वर्ड क्या है, इम्पेटस, बहुत अच्छे, और इम्पेटस को आप जानते हैं इस वर्ड के माध्यम से, यह वर्ड हमारे सीखने का नहीं, क्योंकि बच्चा भी जानता है मोटिवेशन क्या होता है, इम्पेटस उच्चारण है बेटा, क्या उच्चारण है, इम्पीटस नहीं, इट्स इम्पेटस, बोलो शाबाश, मोमेंट्री एनर्जी, फोर्स, इम्पल्शन यू कैन से, राइट, एक वर्ड होता है जो अंदर से इम्पेल करता है, तो इम्पल्शन, एक धक्का, जैसे ही हमारे भाई शहीद हुए तो हमारे अंदर से एक इम्पल्शन आया कि हम रोड पर आएंगे, हम नारेबाजी करेंगे, हम उनके फेवर में बात करेंगे, तो आपने रोड पर उतरकर खूब प्रदर्शन किया, इट इज इम्पल्शन, इट इज इम्पेटस, राइट, ये मोटिवेशन है जो अंदर से आया आपके, या फिर इसी के लिए और भी अच्छे वर्ड्स आते हैं बेटा, यू कैन से कैटलिस्ट, बोलो शाबाश, सी ए टी ए एल वाई एस टी, बोले कैटलिस्ट, शाबाश, बोले कैटलिस्ट, वेरी गुड। या फिर एक वर्ड आता है जी ओ ए डी, गोड का मतलब उकसाना होता है, जैसे बकरी को आप डंडी मारते हैं, उकसाते हैं, इम्पेटस देते हैं ना खड़े होने के लिए, खड़े हो चल, दैट इज कॉल्ड गोड। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है बेटा, बोले स्टिमुलेंट, बोलो शाबाश, स्टिम्यू एल ए एन टी, स्टिमुलेंट, जो उकसाए, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेंट। या फिर इसी के लिए आप वर्ड कह सकते हैं बेटा, बोलो एडजुवेंट, बोलना पड़ेगा बेटा, शाबाश, बोले एडजुवेंट, बोलो ए डी जे यू वी ए एन टी, ये वेंट मत पढ़ना, ये वंट पढ़ा जाएगा बेटा, उच्चारण होगा एडजुवेंट, बोलो शाबाश, एडजुवेंट। या फिर वर्ड होता है स्टिमुलस, बोलो एस टी आई एम यू एल यू एस, बोले स्टिमुलस, शाबाश, बोले स्टिमुलस का मतलब है प्रेरणा किसी चीज की, तो हम कह सकते हैं कि डॉक्टर कलाम, यस और नो, राइट, डॉक्टर कलाम,
has given a lot of to the youth of India, या of the world कहा जाए तो और भी बेहतर है. बहुत motivation, बहुत 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 ज्यादा प्रेरणा मिलती है उनके जीवन को देखकर, right? So Dr. Kalam has given a lot of शाबाश impetus to the youth of India. तो that is called impetus. तो impetus का मतलब force. इसका उल्टा क्या हो सकता है बेटा? ये तो क्या motivation या उकसाने वाला, इसका उल्टा आपको याद है निष्क्रिय वाले सारे words, comatose, cataleptic, inert, dormant, cataleptic, remember? All those words, वो उसके एंटोनीम हो सकते हैं बेटा. मोटिवेशन को उल्टा क्या होगा? कैटलिप्टिक स्टेट में होना, इनर्ट होना, डोरमेंट होना, इनएक्टिव यानी लेजी होना, मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात है, राइट? 10 वर्ड्स हमने आज देखे, ऐसे ही अगली वीडियो में हम 10 देखेंगे, राइट? ऐसे 10-10 का 1.1 हुआ, 1.2 की वीडियो के साथ में आगे आऊंगा, राइट? और जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर एनीबडी, डू शेयर इट, राइट? इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें, राइट? सो दैट अदर्स कैन बी बेनिफिटेड, क्योंकि उसको बनाने का, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, सो दैट यू गेट बेनिफिटेड, राइट? तो इसी की अगली वीडियो में यहाँ से आगे हम मैं जुड़ा रहूँगा, पर एक बार जाने से पहले जैसे मैंने कहा था, एक बार 10 की 10 सिचुएशंस को मैं रिवाइज करा दूँ. पहला जो सिचुएशन हमने लिया, पहला जो वर्ड लिया, कोशिश कीजिएगा कि उस वर्ड की सेंस को निकालना, और देखना जब आप वर्ड की सेंस को निकाल रहे हैं तो उसमें नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव ये सब क्या है उससे कोई मदद नहीं मिल रही, बस आपको वर्ड और सेंटेंस की समझ से सारी चीज़. इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव ये सब नहीं पढ़ाता, पढ़ाता हूँ, बट दैट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल, राइट? क्योंकि वकैब और सेंटेंस मेकिंग, अगर इन दो चीज़ों पर बच्चे को महारत आ जाए तो कोई ऐसा वाक्य या कोई ऐसा मरहला, कोई ऐसा वक्त बच्चा फेस नहीं करता इंग्लिश भाषा में जो उसे दिक्कत महसूस हो किसी भी प्रकार से, चाहे कोई भी एग्जाम हो. वर्ड और सेंटेंस की महारत है तो उसके पास पूरी महारत है. 10 की 10 सिचुएशंस में बोल देता हूं कि अमित शाह हैज, देखिए आपके दिमाग में खुद से आ रहा है कि अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स, ये है फिल इन द ब्लैंक, आपका दिमाग खुद से ब्लैंक को भर लेगा बेटा, अमित शाह हैज अक्यूमन ऑफ पॉलिटिक्स. और देखिए अगर इस सेंटेंस में अक्यूमन का आपको ना पता हो तो चाहे कितना भी पढ़ लेते आप, आपको इस सेंटेंस का मतलब ही नहीं पता लगता, चाहे कोई भी एग्जाम करूं इस सेंटेंस से फिर हो नहीं पाता. जैसे मैं सेंटेंस लूं, इफ समबडी हैज बीन मर्डर्ड हिज बॉडी हैज टू गो थ्रू, वेरी गुड, आपका दिमाग खुद कहता है ऑटोप्सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट? नेक्स्ट, I do not get along with my, very good, बहुत अच्छे, bellicose neighbor, bellicose neighbor से मेरी बनती नहीं. ऐसे ही बेटा अरविंद केजरीवाल has been castigated by the Supreme Court, but he has been extolled by some of the newspapers for even odd scheme. ये पूरा वाक्य आपको समझ में आ रहा है, राइट? पूरे वाक्य की कॉम्प्रिहेंशन आपको आ रही है, क्योंकि भाषा को भाषा की तरह अच्छे वर्ड्स अच्छे सेंटेंसेस के मिश्रण के साथ पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है बेटा, राइट? अगला जो वर्ड है बिफोर रिलेशन कोग्नोमेन इज मैच्ड, इस सेंटेंस को समझें और वर्ड्स की मदद से समझें. एक बार और रिविजन में अगला वर्ड आता है, राइट? के सम लीडर्स यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज फॉर द आर्मी, दे शुड नॉट डू दिस हीनस एक्ट, इस घटिया काम को उन्हें नहीं करना चाहिए, वेरी गुड. अगले वर्ड पर हम आते हैं कि पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर कंट्री इफिट, बहुत अच्छे. इफ समबडी वर्क्स वेल ही इज गिवन वॉट, ग्रेचुटी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट एंड लास्ट, डॉक्टर कलाम हैज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू द यूथ ऑफ इंडिया. बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जुड़ा रहूंगा बहुत जल्दी आपके साथ. ये 1.1 था, 1.2 आपके साथ लेकर आऊंगा. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.